के लिए इंक्वायरी है मेरी सर। मेरे पास इसके शेयर हैं 260 और मेरी मेरी जो लास्ट खरीद थी वो थी 80 रुपीज़, और वो शेयर लेते लेते लास्ट हमारी पहुंच गई 174 तक। मतलब एवरेज करते करते एवरेज बाइंग हो गई है 174 की, और खरीदते खरीदते हो गए 260। हाँ जी सर, एवरेज 170। हाँ जी सर। और ये किसने डिसाइड किया था, ये हस्बैंड वाला था या आपने देख के लिया था, कैसे हुआ था ये? नहीं सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, वो काफी टाइम से हैं, वो 18 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी करा था हस्बैंड के फ्रेंड तो ने या उन्होंने सिर्फ आपको हमें कराया ये था? दिया था, हम तो सर मुझे ही करवाया था। अरे यार, उनको पसंद आया तो उनको भी लेना चाहिए था। ये तो गड़बड़ हो गया है। TTML भाई, फिर आई एम अज्यूमिंग हाई, साल के हाई जी 210 के हैं, एवरेज करते करते 174 पे लिया, आज खड़ा है स्टॉक 60 रुपए पे, बहुत तगड़ा कैपिटल इरोड हो चुका है। गलत हो गया ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा, और ये बहुत मैसिवली रिलेट हुआ था वैसे एक समय, उसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, अब कहीं संभल भी नहीं रहा आस्था, क्या करा जाए अब इस स्टॉक में? देखिए बहुत बड़ा मैम, एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर स्टॉक अच्छा नहीं होता तो एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एवरेजिंग ऐसा लगता है कि हमारे कॉस्ट नीचे करेगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो वो नीचे गिरता ही जाएगा और बड़ा नुकसान होता है। इनफैक्ट मैं एवरेजिंग के फेवर में बहुत कम हूँ, अनटिल अनलेस बहुत ही फंडामेंटली एकदम सॉलिड कंपनी हो तो सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं। दूसरा मैम, आप कोई भी चीज लें किसी भी कहने पे, एक बार थोड़ी सी आप अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर लीजिए। हम कोई चीज खरीदते हैं तब भी एक जांच पड़ताल करते हैं, और उसके लिए आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे नतीजे आते हैं, एक बार देख लीजिए कंपनी लॉस में तो नहीं है, किस तरह का काम है, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। ये मैं आपको एक गुजारिश कर रही हूँ। अब देखिए टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र बहुत खराब लग रहा है, चार्ट पे भी लगातार गिर रहा है मैम, और ये अपने 52 वीक लो, क्या मैं मतलब बताऊं तो बहुत नीचे आ चुका है, 2000 मतलब एक साल के अपने लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। जब इस तरह के लेवल्स पे आते हैं स्टॉक तो और ज्यादा खतरा रहता है कि वो नीचे की तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है आप एग्जिट कर जाइए, नुकसान काफी बड़ा होगा लेकिन एग्जिट करने में ही समझदारी लग रही है, तो आप मैम एक बार इसमें से निकल जाइए। अब खरीदना क्या है, देखिए मैम खरीदने में मुझे जो अच्छा लगता है, इनफैक्ट मैंने मंडे को भी अभी एक कॉल दिया है टीटी पावर सिस्टम का इसी चैनल पे, वहां चाहे तो देखिए टिकट साइज में बहुत बड़ा फर्क है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि 60 रुपए का वो अलग ही टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन आप वहां पे एक खरीद कर सकते हैं। सीमेंस को खरीदिए मैम, वो भी अच्छा लगता है। ब्लू स्टार खरीदिए, ये 2-3 स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आशीष मैं पहले भी दे चुकी हूँ, एबीबी इंडिया अच्छा है, AIA इंजीनियरिंग। देखिए मैम जो बजट आया था उसमें कैपिटल गुड्स पे बहुत बड़ा फोकस था, तो उसमें जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें से आप लगाइए, मुझे विश्वास है कि वहां से आपको फायदा होगा और ये नुकसान की भरपाई होगी। तो आप मैम अभी इसमें एग्जिट करिए, और जो मैंने यहाँ पे 3-4 स्टॉक दिए हैं एक बार उनमें से कोई में भी एक पोजीशन लीजिए, मेरे हिसाब से नुकसान की भरपाई हो जाएगी।